Today I am going to make a new video, so please everyone, good morning, namaste, welcome back to my new vlog. I hope you all are doing well. So आज मैं काफ़ी टाइम बाद ब्लॉग शूट कर रही हूँ और आज है संडे, तो मेरी मॉर्निंग तो वैसे लेट से ही होती है संडे को, क्योंकि अभी हो रहे हैं 10:30 और देखते हैं आज का प्लान क्या होता है, क्या क्या होता है आज के दिन में. और आप लोग ब्लॉग में ज़रूर बने रहे, जो नया है चैनल पर तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें. तो मैं मिलती हूँ आपसे थोड़ी देर में. मेरी सफाई हो गई है और अब मैं काट रही हूँ फ्रूट्स, क्योंकि मुझे नहाना था लेकिन पानी ख़त्म हो गया. आज संडे तो आज सब लोग नहाते हैं और इस वजह से पानी भी ख़त्म हो गया. सो अब मुझे दिन में नहाना पड़ेगा. तो ये अभी हमारे फ्रूट्स कट के हैं और मैडम तो ना गई है. हाय तो बोल दे. हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब? और ये बहुत दिनों बाद नहाई है, सच्चाई है इसकी, और तभी तो इतनी सुंदर सुंदर लग रही है. देखो देखो खूबसूरती का राज. ये वैसलीन, ये तो एंटी रही है वैसलीन का. नहीं आने वाली है, देखो आजा आजा. क्यों आई हो तुम इधर? कौन सा आई मेकअप, कहाँ जा रही हो तुम? ये करने आई थी इधर. कहाँ जा रही हो तुम ये करके? श्रीनगर. छी छी, और ग्लिटर वाला लगा के. ये खुलूंगी ना तो कल. तू ना गई है? अच्छा, गीले बाल क्यों बांधे फिर? क्योंकि कल हो जाएगा ना. ओ गॉड, उसकी बकवास बातें. शादी में जा रही है क्या कहीं? ऐसा लग रहा है. छी छी, मैं नहीं आ रही तुम्हारे साथ में, पहले बता दूं. मैं तुझे नहीं जानती ना, मैं आ रही तुम्हारे साथ. और ये मेकअप करके तो खासकर मैं आऊंगी ही नहीं तेरे साथ. पहले ये मेकअप करने आई, तेरा मेकअप तो दिखा, तेरा मेकअप तो दिखा. हम करें तो करें क्या, बोले तो बोले क्या, है ना? हाँ, तो अभी मैं रेडी हो गई हूँ मार्केट जाने के लिए. ये पागल है, इतनी धूप में ही मार्केट लेके जा रहे हैं. हेलो गाइस, साथ वांजली ने मुझे ये गिफ्ट दिया, सुंदर लग रहा. मैंने इसे गिफ्ट नहीं किया, इसे चुराया है. गिफ्ट गिफ्ट नहीं किया, इसने बोला कि सुंदर लग रहा. तो ये जो इसे पहने ही कुछ दिन बाद इसके रूम से फिर मैं वापस ले आऊंगी. अभी ये मैंने आई मेकअप किया गाइस. अच्छा, दिखाना अपना आई मेकअप. बट मेरा आईज ना दिखाई नहीं दे रहा हूं. कोई फायदा नहीं, इसका कोई फायदा नहीं आई मेकअप करके. उधर बहुत सारे आम लगे हुए हैं ना यार, तोड़ना है यार. पागल है, अभी बड़ा तो होने नहीं. बेवकूफ, वो दोनों आम है. मुझे लगा ये हंसिका. नहीं, हंसिका प्रिंसिपल नहीं बन सकते. मॉडल है वो तो. हम लोग को ये मतलब थोड़ा अजीब लगे होंगे कि मैंने शॉल क्यों डाला है, क्योंकि अभी ना आधा साइड पर बारिश होने वाली है, ठंड है, और इधर साइड इसकी बकवास. ये मुझे ये बोल के लेके चली कि आज ना बारिश है, बारिश है, और देहरादून में बारिश हो रही है. पता नहीं इनको किसने बताया देहरादून में बारिश हो रही है. ठीक है, और यहाँ बारिश होने वाली, जस्ट सी ये धूप देख इतनी तेज हो रही है. चुप, वो तेरे हॉस्टल में दिख बुरा हो गया. और मेरे अभी तक बाल भी नहीं बनाए, ऐसे बिखरे बिखरे से लग रहे हैं. मेरा कुछ हेयर स्टाइल कर दिया आज. क्या करते हैं, माफ़ कर, ये सबकी आजकल नाई बनी फिर रही है और ये सबके बाल कट कर रही है आजकल हॉस्टल में. बिना छाते के यहाँ पे काम नहीं चलता है. काम चलता है, बताइए जो बोल. नहीं चलता है, कसम से नहीं चलता, बिना पानी के और बिना छाते के. कुछ गिरा नहीं, लंबी आज गई. तो अभी हम इसके हॉस्टल में वेलकम है. बोल वेलकम, वो कर थोड़ा सा वेलकम कर मेरा. हमारे हॉस्टल सबसे बेस्ट हॉस्टल है और यहाँ पे किस तरह से झूठ है. हाँ सच में, इनके हॉस्टल में जैसे भूत वाले बंगला जैसा होता है ना वैसे, हमारे हॉस्टल लाइक ऐसे बकवास मत कर. इट्स मैजिक. आई बात समझ. देख इसने क्या लिखा है, देख लिखा. अभी इसका रूम का वो दिखाती है. तो ये है बकलोलगंज. बकलोलगंज मतलब क्या होता है पता नहीं, उसी से पूछा जिसने लिखा है. चलो चलो अब इसका रूम में दिखाती हूँ, इसके रूम का टूर करवाते हैं आज. मर्जिया को मत दिखाओ. मर्जिया कहाँ है? ठीक है, नहीं दिखाऊंगी. ये इनका सुंदर सुंदर सा रूम, सफाई वाला.
लेकिन जब हम आते हैं इस रूम में ये पूरी रजाई वगैरह यहाँ डाल देती, पूरे कपड़े फैला देती ताकि हम इसके रूम में ना बैठे, इसके बेड में ना बैठे, इतनी चंट है ये। बाकी मर्चा को खैर क्या ही दिखाऊं मैं। इसमें तय हो गई, दिखाओ तो अपना फेस तो दिखाओ, सुंदर सुंदर जो तुमने ये पल मेकअप किया था जो दिखाई नहीं दे रहे होंगे। और ये रेखा ने बनाया मेरे बाल थोड़ा सा, मैं पहली बार कुछ बाल का कुछ बना रही हूँ। और ये जबरदस्ती उसने पहनाया जो मेरे हाथ बहुत गंदे दिख रहे हैं, अभी मत देखना प्लीज। यहाँ पे कुछ कुछ पैंट्स है जो ठीक करवाना है क्योंकि मेरा वेट बढ़ गया और ये बहुत टाइट हो रहा है अभी। अब देखती हूँ क्या कर सकते हैं ना। हॉस्टल का ज्यादा खाना खा रही यार, इसने मेरा नहीं किया होगा यार एंट्री, नहीं किया होगा इसने, करना मेरा जरा। तो गाइस हमें यहाँ पे एंट्री करना पड़ता है। किया है, किया है, मेरा किया। तो गाइस ये है व्लॉगर प्रांजलि, एक बार देखना इधर, सुंदर लग रही है ना। मतलब कुछ इसने भी ये डिजाइन किया है, देखना एक बार, उसने भी रेखा ने बनवाया बट इसका थोड़ा मोटा किया है, पता नहीं क्यों किया है ना, मेरे को भी लग रहा था बड़ा बड़ा सा, मैं ठीक है छोड़ना। और ये है हमारी क्या कर दिया, मैंने उन दोनों को जूम कर रही थी कसम से, फिर ना वो लड़का मुझे आंसू घूर के देखा। ये है प्रांजलि भंडारी, कितने बार बोलो। ये है अंशिका भगत, अंशिका थोड़ा सा दिखाओ। ये है मर्ज़िया खातून और मैं हूँ तंजिनिया अंगरोज। वाओ मेरा नाम सबसे यूनिक है, बोलदार में सुंदर भी लग रही है ये भी तो, सुंदर तो नहीं लग रही क्योंकि अंशिका पूरा क्रेडिट ले जाते हैं जब भी जाते हैं ना। और उस साइड पे वो चला गया, अच्छा तो हम जा रहे हैं अभी श्रीनगर के लिए। शायद मुझे व्लॉग बनाना नहीं आ रहा, पता नहीं। हाँ ऐसे तो बनाते हैं ना, हाँ बहुत। एंड मैं उसको दिखानी चाह रही यार, ये व्लॉगर लोग कैसे पकड़ते होंगे ना, है ना, मेरा हाथ थक गया पता है। हाँ क्या बोल रही थी तुम? तो मैं ये बोल रही छाड़ रही थी, साइड भी हो जाओ पहले, ऐसा ना कोई ठोक के चले जाए। यार मुझे नहीं आता वैसे पकड़ना, हाथ थक जाता है यार बहुत। अगर तू कुछ करना चाहते तो कुछ मेहनत कर यार, मुझसे नहीं होता, मेरा हाथ मुड़ जाता है, मैं नहीं कर पाती वैसे। तो हम जा रहे हैं यार, और इसके नखरे जो है ना, मतलब पता नहीं किस बात के इसने मुंह फुला रखा है आज, नखरे। और ये शाम को बड़ी खुश होती है, वो कोई रीजन है, बस अभी पता नहीं क्यों इसने मुंह लटका रखा है। अच्छे से काटा। इतने अच्छे से काटा कि बेचारी के बाल ही छोटे हो गए। बहुत सुंदर से काटा गाइस, कटा ना देख। अच्छा तो ये बता तुरे कितने बार गाइस गाइस बोल दिया होगा? पता नहीं यार, बहुत सारे बार। क्योंकि व्लॉगर लोग बोलते हैं ना हेलो गाइस, ये सौरभ जोशी हेलो गाइस, तो हम आ गया गाइस, ये हो गया गाइस, वो हो गया गाइस। सौरभ जोशी को कॉल, ये देखती होगी ना उसको। किसने बताया? बताया सौरभ जोशी वाला, मर्ज़िया ने बताया मुझे। सही में मर्ज़िया? हाँ। अच्छा मर्ज़िया भी देखती है सौरभ जोशी को? सौरभ जोशी की फैन हो तुम? बहुत। ओ, सही में क्या? हाँ, अगर मिल गया ना ये मतलब जाएगी उसके पास कि मैं आपकी बहुत बड़ी फैन हूँ। मर्ज़िया कुछ मैसेज बोल फिर सौरभ जोशी के लिए। बोल मर्ज़िया, फिर से बोलिए एक बार, ढंग से सुनाई नहीं दिया होगा। मैं डालूंगी मर्ज़िया ये सब, हॉर्न भी नहीं मार। क्या मैं इन लोगों को भेज देते हैं जो छू हुई सब छू हुई। 2000 years later.
अलकनंदा रिवर है और यहाँ पे जो पानी बहुत सारे आते हैं, बट ड्यू टू कंस्ट्रक्शन ऑफ डैम, जो डैम बना हुआ है उसकी वजह से पानी पूरा उधर है, उस साइड पे है हमारी हॉस्टल के जस्ट बैक साइड पे। डैम बनाने का लाइक वो थोड़ा दूर बनाना चाहिए, लाइक 15 किलोमीटर। तो यहाँ ये है मेन नदी और देख हो गया, कहीं पानी भी देख कितना है, वहाँ पे एल्गी वगैरह फॉर्म हो गया, मतलब पोल्यूशन, वाटर पोल्यूशन है। और यहाँ पे भी माइनिंग कर रहे हैं वो, मतलब अंशिका तो गई लिफ्ट लेके और मर्जी रह गई। क्या हो गया? तुम क्यों नहीं गई? एक पहले तो हम पिज्जा ऑर्डर करेंगे, तुम दोनों को ऑर्डर करो, पिज्जा सबके लिए ऑर्डर करते, हम दोनों करेंगे, मैं सबके लिए करूँ। मुझे ना वो खाना है पिज्जा और नहीं, मुझे नहीं खाना, इसको हर जगह बर्गर खाना होता है। गोला मार्केट घूमते थोड़ी देर, क्योंकि क्या ले रहे हैं कुछ करना है तुमको, फिटिंग वगैरह करने को भी दिया है और शॉपिंग भी करनी है इसको, तो फिर काम नहीं जाना है। वहाँ पे दिल्ली के कपड़े आते हैं ना, सरोजनी मार्केट के, तो इसको वो लेना है, इसको वो लेना है आज, इसलिए आए है। अच्छा बहुत अच्छा लग रहा है, दो पागल अपना टेम्पर लगवाने के लिए, इनका सिर्फ इनका काम था मार्केट का, हमारा कोई काम नहीं था। यहाँ मैं ऐसे लेके आया हूँ, पीछे कितनी धूप हो गई, मैंने बताया था ना आपको ये कपड़े लेने आए। कौन से मार्केट आई है तू? सरोजनी मार्केट? कौन से? ये श्रीनगर का सरोजनी मार्केट है। आज तुम नहीं ले रही सरोजनी मार्केट से कुछ? नहीं, हम गरीब लोग हैं, तभी तो फटे हुए कपड़े पहने। वो मुझे क्या दिखा, किसके लिए? किसके लिए? अभी देखना क्या क्या दिखाई गई है। विशाल हमें जाना, विशाल हमें कुछ सामान खरीदना था, इसलिए हम जा रहे हैं। कुछ नहीं हुआ, बता दी, इसे पूरा मार्केट घूम लिया गोला मार्केट का, ठीक है, फिर भी इसको कुछ पसंद नहीं आया। अभी इसको सरोजनी मार्केट भी लेके गई थी मैं, श्रीनगर का सरोजनी को बेइज्जती कर रहे हैं लोग, सरोजनी में ऐसा नहीं होता बहन, वो मुझे पता है वैसा होता है। संडे मार्केट में होता है ना, संडे मार्केट में जो नहीं बिकता ना वो चीज़ें ट्राई की होता है ना, नीचे गिरावा। हाँ, जो शर्ट 20-20 रुपए का मिलता है ना, वो यहाँ 200 में बेच दे, इतने हैं ना ये लोग। और ये देख, आंची का तो हंस हंस के खुश होकर जा रहे थे, चल हम उधर चलेंगे, क्या है उसके लिए आधे से ज़्यादा शॉपिंग वहीं से करते हैं, इसके जम्मू में नहीं मिलता ऐसा, इसलिए शायद वही लगता है। हाँ, नहीं मिलता इसके जम्मू में। और अभी हम जाएंगे, ज़्यादा खा लिया ना हमने, पर हमने बहुत ज़्यादा खा लिया सच में। अभी
पेट ऐसा हो गया ना कि गले गले तक भरा हुआ है। तो मुझे मुझे क्यों दिखा रही है ऐसे? ऐसे मेरे बाल इतने चिपकू से ऊपर इतना ऊपर भी नहीं करना था। हमें शैम्पू लेना है और अंशिका को भी लेना है शायद कुछ। वहाँ कुर्ता भी तो अच्छा होता है ना, कुछ कुर्ता वगैरह ले लेते हैं। हाँ वहाँ अच्छा मिलता है, मतलब सही है। एंड अब देखते हैं किधर कहाँ जाते हैं, कहाँ तक पहुँचते हैं, क्योंकि हमारे पास टाइम 8 बजे तक का है। हाँ इसलिए मैं थक गया, मैं थक गया। ये मार्केट का, ये है श्रीनगर का मार्केट गाइस। ये गाइस बोलना मैं छोड़ दूँगी। और वो है अंशिका एंड मर्जिया। अभी हमने वहाँ से खाना ठूस लिया बहुत ज़्यादा बहुत ज़्यादा। हम यार देख मैं कुछ दिखाती हूँ गाइस, वो बहुत सुंदर है, प्रिटी है यार। ये जो येलो कलर का कुछ कुर्ता है, क्यों दिखा? सॉरी मुझे नहीं पता ना कैसे बनाना। ये देख ना, अच्छा वो बहुत प्रिटी है यार ये। वो बहुत प्रिटी था बट प्रांजलि ने बोला कि तुम मार खानी है तुझे। तो अभी हम जा रहे हैं श्रीनगर की मार्केट की ओर। एंड ठीक है यार इतना नहीं। ये है मार्केट, आप देख सकते हैं ये बच्चों का दुकान है। एंड यहाँ पे मंदिर का सामान है और जो ब्लॉगर है वो तुम्हारी अंशिका को लोरियल खरीदना है शैम्पू। हमारा ज्वेल ये भैया है तो हाँ जी जी। स्टेंजिन तू किसके लिए देख रही है? किसके लिए देख रही है तू? नाम बोलू? चुप नहीं बोलू? चुप नहीं बोलू? चल ऊपर चलते हैं। चल बच्चों के लिए यहाँ से ये ले रहे हैं बैग वगैरह पूरा डॉम सेट बच्चे के लिए। अपने बच्चों के लिए ले रही है अभी से। शंजिन पेन ले ले, पेन ले ले वहाँ पे। बोलने जरूरी मेरा। ये लोशन देखना, लोशन देखना कोई मुझे भी ले लो। क्या हुआ? क्यों है? अबे वो तो हटाओ, वो बीच का इशू। मैं कहाँ हटाऊँ उसको? नहीं वो ऐसे में ऐसे लग रहे अंधे हो। तो बस अभी हम लोग वापस पहुंच गए हैं और थकान इतनी ज़्यादा हो गई है ना, मतलब क्या बोलूं। क्योंकि हम लोग दिन में निकल गए थे 2 बजे अराउंड और अभी शाम हो गई, शाम मतलब पहुंचते पहुंचते शाम हो गई। एक तो पैदल पैदल चलना पड़ता है ना, तो इस वजह से बहुत ज़्यादा थकान हो जाती है इधर। और बस इतना ही था। होप मैं उम्मीद करती हूँ आपको मेरा ये ब्लॉग अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। नेक्स्ट ब्लॉग में तब तक के लिए बाय।